यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। कोड़े मारने की यह व्यवस्था पुराना नियम में इसराइलियों को दिया गया था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था में कोड़े मारने के बारे में लिखा गया है। व्यवस्था विवरण की किताब 25 अध्याय उसका दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसको दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। प्रियो, यहाँ पे गिन गिन के मारने को कहा गया है और उसके तीसरा वचन में लिखा है कि कितनी कोड़े मारना है। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरे दृष्टि में तुच्छ ठहरे। प्रियो, ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े मारने को परमेश्वर यहोवा ने अनुमति दिया था। अगर गलती से भी 40 कोड़े मारने के बजाय 41 हो जाने पर मारने वाले पर भारी दंड आता था। इस डर के कारण यहूदी लोग अपराधियों को 39 कोड़े ही खिलाते थे। पौलुस ने अपने अनुभव के बारे में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसको 24वां वचन में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। पौलुस के ये कहने के द्वारा हमें ये बात मालूम हो जाता है कि यहूदी लोग 39 कोड़े ही लगवाते थे। इस कारण प्रभु यीशु मसीह को भी 39 कोड़े मारे गए, इस कारण कोड़े खिलाते थे। अगर किसी ने अपराध किया है या उस अपराध का जांच के लिए कोड़े मारते थे। प्रेरितों की किताब 22 अध्याय उसको 24वां वचन में लिखा है, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने के द्वारा हमें प्राप्त हुई सबसे बड़ी आशीष है चंगाई। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24वां वचन में इस प्रकार लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आप इस वचन को सुनते समय ही आप विश्वास से बोलिए, यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। बाइबल ये नहीं कहती है कि हम चंगे होंगे, मगर ऐसा लिखा है कि हम चंगे हुए हैं। आप विश्वास से ये बात को कबूलें ताकि आपकी बीमारी पर आपको पूर्ण चंगाई प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हुए सुना हूँ कि इस दुनिया में लगभग 40 प्रकार के जानलेवा बीमारी है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी उतना कोड़े खाए। जो भी हो, मगर आपके सब रोगों की चंगाई यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मिलती है। आपकी चंगाई के लिए जितनी कीमत चुकानी थी वह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले ही चुका दिया है। पुराना नियम में निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26वां वचन में यहोवा परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रियो, यीशु मसीह के घाव आज भी सूखा नहीं है। हम सब की चंगाई के लिए आज भी उनके घाव से जिंदा लहू बहती है। प्रियो, क्या आप कोरोना से परेशान हैं या आप ब्लैक फंगस के खौफ से डरते हैं? मुझे आपसे कहना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके सब तकलीफों के मध्य में आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। क्या आप अपनी चंगाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हो? आपके जीवन को उस खुदा के हाथों में समर्पण करिए, आज वो आपको चंगाई देगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको इस छोटे संदेश के द्वारा आशीष देने पाए।